अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और ईमान के बहुत अच्छे लेवल पर होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ टॉप स्टाइल के हैं, इनको आप टॉप भी कर सकते, टॉप स्टाइल में भी पहन सकते हैं, स्टिच करवा सकते हैं और आप इसको लॉन्ग शर्ट में भी कर सकते हैं। स्टाइल देखना है, स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है, लुक ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो कट है वो बहुत अच्छा है और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। ये सब जब मिल जाती हैं तो एक ज़बरदस्त सरप्राइज बन जाता है। इसको आप पैंट के साथ भी वेयर कर सकती हैं, अगर आपको शॉर्ट ज़्यादा लगे ये शर्ट्स तो आप इसके लेंथ को इंक्रीज़ कर लें और इसको ट्राउज़र्स के ऊपर या पैंट्स के ऊपर, प्लाजो के ऊपर भी पहनी जा सकती है। कट बहुत प्यारा है और कट इसकी जो स्टिचिंग है वो भी बहुत ईजी है, आप इसको ईज़िली अपने टेलर से सिलवा सकती हैं। ठीक है, सेकेंड ये कि अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करनी चाहेंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये अभी तो 2023 की विंटर जो कलेक्शन है उसके अंदर अभी ये इन है और सारी ऑनलाइन ही हैं। अभी आपको ये आई थिंक नहीं मिलेगी मार्केट में, या आप लोगों के जो भी लोकल मार्केट्स होती हैं उसमें भी अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि अभी विंटर में टाइम है। सही है कि अगर आप इसको सिलवाना चाहें, स्टिच करवाना चाहें तो इजीली करवा सकती हैं। स्क्रीनशॉट लें, अपना फैब्रिक लेके आएँ और सेम टू सेम बनवा लें। लेंथ का मैं फिर कहूँगी कि लेंथ आप इसको इंक्रीज़ कर सकती हैं आप थोड़ी, अगर आपको छोटी लगती है तो, पर पैंट के ऊपर तो बहुत प्यारी लगेंगी। और इसके ऊपर अगर आप इसकी कंट्रास्ट करके अगर आप स्कॉफ या स्ट्रॉलर्स वगैरह यूज़ करें तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, लुक बहुत अच्छा आएगा, तुर्की स्टाइल हो जाएगा, क्योंकि तुर्की में इसी तरह की ड्रेसिंग की जाती है। बहुत अच्छी लगती है, बहुत यूनिक लगती है और गर्ल्स इस पहन के थोड़ी सी जो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल सी लगती हैं, कि अपनी इंसान को अपने हिजाब की भी फिक्र है और ड्रेसिंग सेंस भी है। आगे मेरी वीडियो को इंजॉय कीजिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करें, सपोर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दिल करें तो कर दीजिएगा, ना करें तो खैर कोई मसला नहीं है, दुआओं में फिर भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.